नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी और शराबबंदी को लेके तमाम जो विपक्षी दल है नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। इसी के ऊपर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले वो सुनिए। सभी साथियों का स्वागत है जो मीडिया के साथी हैं। ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और हम लोग वहाँ गए, हमारे पार्टी के कई लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चिल्ला चिल्ला करके सरकार को बता रहे हैं लंबे दिनों से, और हमारी पार्टी इस मायने में हर जगह जाने का काम करती है। इसके अलावा हम लोग हेल्पलेस हो गए हैं कि इस तरीके से पूरे राज्य में लाशों की खेती हो रही है। सरकार जान रही है, आप गोपालगंज की घटना को जानते हैं, आप छपरा की घटना को जानते हैं, सिवान में घटना हुई, अभी ये छपरा का ही मसरक है जहां 1 किलोमीटर की पेरिफेरी में लगभग 50 लोग मरे हैं। और ये मरे हैं, ये पहली घटना नहीं है, लोग मर रहे हैं और सरकार बिल्कुल निश्चिंत है। और इसका जो सबसे दूसरा पक्ष है, मानवीय पक्ष, वह यह है कि कई लोगों की लाशें जला दी गई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ऐसे कोई छोटी घटना हो और उसमें कोई मर गया और किसी ने जला दिया कि केस मुकदमा नहीं हो, तो पूरा थाना सर पर ले लेता है उस समस्या। और यहाँ लाशें लगातार जल रही हैं, कई जगह का रिपोर्ट लिया कि इस घाट पर लोग मर रहे हैं। वहाँ ये प्रयास किया जा रहा था कि इनको ठंडा दिखला दिया जाए कि ठंडा से मरे हैं, भूख से मरे हैं। क्या है ये सरकार, कितनी निर्लज्ज है ये सरकार भाई। इसको चिंता ये होनी चाहिए कितने लोग मरे हैं, उसको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए, लेकिन वहां प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे इस मामले को मिनिमम दिखलाए। कई लोगों ने कहा कि हम लोगों को डराया गया है, धमकाया गया कि आप यदि पोस्टमार्टम कराओगे तो केस हो जाएगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। ऐसे मुआवजा मिलेगा, शराब का जैसे ही आएगा तो मुआवजा नहीं मिलेगा। इस अराजक स्थिति में आज राज्य है। जो हम लोग वहां से, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, वहां डॉक्टर ने कहा कि 7 डेड बॉडी और 14 घायल जो सीरियस रूप से हैं, जिसको विभिन्न जगहों में, पटना में, छपरा में भेजा गया, कुणाल सिंह, जयदेव सिंह, अमित रंजन सिन्हा, संजय सिंह, हरिंदर राम, भरत शाह, मोहम्मद निसार, विजेंदर राय, लाल कुमार यादव, मुकेश शर्मा, कमलेश शाह, ललन राम, मनोज कुमार, भरत राम, ये 14 लोग सीरियस हैं। एक और सम राय करके एडमिट वहाँ थे मसरक में, उन्होंने कहा कि हम 1.5 क्लास किए हैं। तो मोहन राय बारौली गांव के मोहन राय, उन्होंने कहा हम 1.5 गिलास किए हैं, जो ज़्यादा पिए थे 4-5 गिलास, सो हम मजदूरी करते हैं, हम नहीं पी रहे थे, बाराती में हमको पिलाया गया, अब कभी नहीं पिएंगे। हमने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जहर बेच रही है, शराब रहता तो आप बच जाते। कई लोगों की, डॉक्टर ने एडमिट किया कि कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई जो जिंदा है। अब उसमें जो सबसे आम सवाल है वो जो मानवीय पक्ष का है कि किसी भी कारण से, चूंकि इस सरकार ने अपने प्रथम 5 वर्ष में लोगों को पियक्कड़ बनाया, भारी पैमाने पर पियक्कड़ बनाया, पंचायत लेवल तक दारू बिचवाया सरकार ने, और फिर एक का एक पता नहीं
स्वयं मुख्यमंत्री जी महात्मा बुद्ध हुए या नहीं हुए, लेकिन लोगों को बुद्ध बनाने का एक अभियान चला है। और यह नकली अभियान था, चूंकि जितने इन्होंने जनप्रतिनिधियों को, जितने अफसरों को परेड कराया, शपथ दिलाया, ये सब जाली था, ये सब जाली था। और इसमें बहुत लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत इनके मंत्री, बहुत ऑफिसर्स, बड़े सीनियर ऑफिसर्स सेक्रेटेरिएट में दारू पीते हैं। जब इस लेवल का अपराध हो रहा हो तो आम आदमी को कैसे आप रोक सकते हैं? तो ये अभियान है गरीबों को मारने का, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको पता है कितना पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उनकी क्वालिटी भी ठीक है, तो वो मर नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार मार रही है, इसलिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग किया है और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अंत हो गया। इतना छीछा लेदर के बाद भी ये सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है, तो क्या हजारों हजार की संख्या में जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं, क्या संविधान के तहत ऐसी अराजक सरकार को रौंदने का आम लोगों को अधिकार है, जिसमें 70 लाख गरीब लोग जेल में बंद हैं? और ताड़ी बेचने पर, अभी मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति तार से गिर गया, पुलिस की वर्दी देखकर कहा उतरो सर, और गिर गया, मर गया, और मरने के बाद वहां कोई जाता नहीं है, वहां लोजपा रामविलास ही जाता है, कोई नहीं जाता। अब इतना संवेदनहीन सरकार तो हमने कभी देखा ही नहीं। अपने सर को छुपाने के लिए भी कोई प्रतिनिधि को भेज, इसलिए अफसरों का भी मनोबल बढ़ा हुआ, बड़े व्यापारियों का भी मनोबल, जो जहरीली शराब की खेती करते हैं, जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि थाना के बगल में और हॉस्पिटल के आगे भारी भीड़ के बीच कई दलाल वहां खड़े थे। एक तो मीडिया के सामने कह रहे हैं इनका कोई दोष नहीं है, ये पीने वाले का दोष है, जैसे नीतीश कुमार कहते हैं जो पिएंगे सो मरेंगे, वैसे वहां दलाल खड़े हैं, किसी उन दलालों को कोई शिकन नहीं है। ये कहते हैं कि महिलाओं ने इसको स्वीकार किया है, अरे चुने हुए महिलाओं ने स्वीकार किया होगा, जरा जो विधवा हो रही है महिलाएं उनसे पूछिए, थोड़ा सा भी लाज शर्म हया है, कुछ रह गया है तो एक बार उन महिलाओं को बुला करके पूछिए कि इतनी सड़ी गली व्यवस्था, जो खुद शराब बेचती है, बिछवाती है, इसको कहने का क्या राइट है कि महिलाओं को हमने राहत पहुंचाया है इस कानून से? कितने लोग मरे और सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें पीड़ित होती हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिसके एक आदमी कमाने वाला था, वो गया तो पूरा परिवार आज संकट में है, उसके साथ उसके लिए सरकार क्या सोचती है? इन महिलाओं की बात करके वो अपने लोगों से दारू बिचवा रहे हैं, और अवैध व्यापार के वजह से आज कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपने देख रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही, रोज की रोज हत्याएं हो रही, कितना अपराधी साहस बटोर रहे हैं। हमसे उलझ रहा था, पत्रकार के नाम पर एंट्री पाया, बाद में मालूम हुआ कि ये पुलिस वाले का दलाल है, वो डिफेंड कर रहा है सरकार के, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जो पी रहे हैं वो मर रहे हैं, जो नीतीश कुमार बहस करते हैं भाई वहां बहस करने के लिए भी उस भीड़ में भी हिम्मत किया। तो ऐसी अराजक स्थिति पैदा किया है कि आपके माध्यम से हमारी पार्टी मांग करती है कि इस अराजक सरकार को अविलंब खत्म करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और सक्षम पदाधिकारी को भेज करके बिहार की आवाम को बचाएं। ये भयंकर स्थिति में बिहार पड़ा हुआ है, और हमारा प्रतिकार, हमारी पार्टी का प्रतिकार अनवरत इसी तरीके से जारी है।
तो आपने सुना डॉक्टर अरुण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो पूरी तरह से विफल है। डॉक्टर अरुण सिंह यह भी कहते हुए नजर आए कि शराबबंदी का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो यह बिहार में शराबबंदी लागू किया गया वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस नियम को, जो सरकार है वो इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा पा रही है। तो डॉक्टर अरुण सिंह कह रहे थे कि अगर बिहार में चिराग पासवान की सरकार आएगी तो इस नियम को और भी कड़े रूप से लागू किया जाएगा और जहरीली शराब पीने से जो मौत हो रही है लोगों की, इसके ऊपर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। और साथ ही साथ डॉक्टर अरुण सिंह का यह भी कहना है कि बिहार में शराबबंदी के कारण जो गरीब लोगों की मौत हो रही है, इसे लेके नीतीश कुमार को सोचना चाहिए और नियम में बदलाव लाना चाहिए या फिर सरकार को इसके ऊपर करा रुख अपनाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर अरुण सिंह। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।